मुझे बोलने भी नहीं आता है मॉकटेल। दिवाली स्टार्ट हो रही है, आपको फटाकों की आवाज़ आ ही रही होगी। मतलब दिवाली अभी देर है, आज 11 है और अभी मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज सारा दिन हमारे घर पे साफ़ सफाई हो रही थी और मैं ऑफिस में थी। सो या अभी मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने। सो या लेट्स जस्ट डू दैट। मेरी मम्मी बना रही है पनीर की सब्जी और मैं पनीर कट करने जा रही हूँ। सो या लेट्स जस्ट डू इट। यम्मी यम्मी। हमारे दो बंदर आ चुके हैं, एक तो रिया। रिया से हाय। रिया दिखा रही है कि काम कर रही है, और एक दूसरा बंदर मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। तो तुम्हें दिखाना पड़ रहा है ना। और इसने रंगोली की है, नाक से मत बोलो, झूठी झूठी कही थी। नहीं ये थी भी नहीं। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छी रंगोली आती है। हाँ, इसको ड्राइंग करने भी नहीं आती है। सो अभी मैं वेट कर रही थी ये दोनों का, ज्योति और रिया का। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग कर भी, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदा है क्योंकि हम हमारे अंकल के साथ जाते हैं। तो जो लेना है वो हम ले सकते हैं, जितने का लेना है उतने का, जो लेना हो ले लो बेटा, ऐसा बोल देते कभी भी। मतलब अंकल के साथ जाओ तो हम फायदे में रहते हैं। सो जो जो शूज चप्पल जो भी लेना है, मतलब शूज लेके आओ, ले लो, आज का दिन है, अंकल ऐसा बोलते हैं तो हम ले ही लेते हैं। सो या लेट्स जस्ट गो। अंकल वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे ही है शॉपिंग करने गए, सो हम लोग उनको ज्वाइन करेंगे। मेरी मम्मा बेचारी अकेली है घर पे, पर कुछ कर नहीं सकते हम, मम्मी खाना बना रही है इसलिए। सो या लेट्स गो। मेरी रंगोली बहुत मस्त लग रही है, एक दिया बुझ भी गया है। तो दिवाली मुझे इसलिए ही पसंद है, कितनी सारी लाइट्स होती है रास्ते पे, बिल्डिंग में भी होती है। हाँ वैसे वैसे बिल्डिंग में भी होती है, मुझे पता है। हम एक रिलेटिव की शॉप पे ही आए हैं। ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हेल्प करने आया है यहाँ पे। ये रहे अंकल, ये प्रिंस जिसको बहुत शर्म आ रही है अभी, पता नहीं क्यों। वो कोकिला ऊपर वो है और मामा। हमारा सिर्फ यही काम है। रिया ने खुद की दुकान पाली। रिया रिया मैम जरा वो वाली दिखाना ना। ओए अभी अभी जूनियर आई वांट सम शर्ट फॉर माय डैडी एंड फॉर माय अंकल। ओ डैडी पेडी आई आ वाली जूनियर आगे ले फाइन एक्सेल। यस यस वो दो खाने। ओए आज कितनी फाइन। ओके कैन यू प्लीज शो मी सम थिंग। ओके इन चेक्स आपके अंकल, मतलब आपके अंकल नहीं है, मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा है इसलिए ना जो के लिए फाइन। वो बहुत डैडी हेयर लेवा या मैम ये अच्छी है, आप ही ले सकते हो, बहुत डिलीशियस है। ओए मैम कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ओके तो मां आप तो बहुत ही सूट होना है, चलो पैक। बिजनेस माइंड, हमने शुरू से इसको बहुत अच्छे से परवरिश दी है। एक्चुअली हरी लगती थी मैम, अपने लेवी जुड़े मैम बहुत बड़ी है मैम। मैम इसमें हमारे मेरे जैसे दो आ जाएंगे। ये मेरे को अच्छी लग रही है पापा के लिए, लेट्स सी मैं देख लेती हूँ कि नहीं। अंकल जी आपको पसंद आ गया? अंकल जी भी लाइक मार खाओगे बेटा, बोल रहे हैं मेरे पास चार शर्ट पड़ी है। मैं बोल रही हूँ मैं लेके दे रही हूँ, ले लो ले लो। ये दोनों जन बोर हो रहे हैं, ये लोग की शॉपिंग के लिए आए, ये लोग ही दोनों बोर हो रहे हैं। मैम आपको दिखा रही हूँ कैसे लग रही है, देखो आप कैसे भी पहन सकते हो। मैम आप क्यों शर्ट पहन रहे हो? अगर आप नीचे से नहीं पहनते, ऊपर से ही पहनते, ऐसे भी पहन सकते हो, ऐसे बोला। बस चेक दिस वीडियो आल्सो। अभी लड़ लेंगे ये लोग यहाँ पे। मैंने दो शर्ट ले लिए, एक पापा और एक अंकल के लिए। सो या भैया
भैया घर के इंसान है, घर के इंसान है। अंकल हारू, अंकल हारू ना मम्मा पापा हारू। अंकल भैया, भैया थोड़ा सस्ता करके दो भैया। समझ के लगाना, हम घर के इंसान है, हम घर के इंसान है। तो आप आ सकते हो वर्मा गारमेंट में, ये है शेर पंजाब के पास ही, बहुत रिजनेबल है, सो डू विजिट हियर। भैया अभी नए नए आए हैं, इन प्रोसेस है, उनको थैली पे भरना नहीं आ रहा है, थैली पे नहीं, थैली में। फाइनली कुछ घंटों बाद भैया आज है ना एकदम हरे हरे चमक रहे हैं, देखो आप लोग को भी दिख रहा है, लग रहे तोता। भैया शर्मा गए, भैया भाइया भाइया, दिल्ली वाले लड़के बोलते भाइया। 12 बज रहा है और अब हम घर पे जा रहे हैं। हाँ, और इनको अभी पता चला 11 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता था, मैं प्रिंसू की हेल्प कर रही थी। प्रिंसू एक तो इतना पतला है, कहीं पे उसकी साइज का कुछ मिल ही नहीं रहा। सीरियसली, फिर हमको एक अच्छी शॉप मिली जिसमें से हमको अच्छा अच्छा मिल गया। सो यार अब हम चलते हैं घर जाते हैं। क्या बेहतर दिवाली के टाइम पे रात को कितना मस्त लगता है, सब कुछ लाइटिंग वाला बहुत प्रीटी लगता है। दिवाली की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो अभी हम कुछ ठूसेंगे, मतलब भूख बहुत लगी है, मम्मी ने तो यम्मी यम्मी खाना बनाया, सो यार लेट्स जस्ट ईट दैट। फाइन, एकदम थैंक यू। The next day. मैं और रिंकू लाइट की सेटिंग कर रहे हैं, जो कि कल होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, आज आज हो रही है। So yeah, it's the next day. जितनी भी फेरी लाइट्स थी सब यूज कर दिए, ये देखो ऊपर बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मस्त, मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। आज की रंगोली भी हो गई है, कोकी लाने की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मम्मा अभी पूजा कर रही है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है आज 12 है या धनतेरस है, और सुबह से तो धनतेरस, सब लोग तो धनतेरस ही बोल रहे थे, सो हमने तो धनतेरस ही मनाई है। 9 बजे का मुहूर्त था, ऐसा कुछ था, तो 9 बजे के मुहूर्त से हमने काम किया है। सो या आज की ये ब्यूटीफुल सी रंगोली इसने बनाई है, कोकिला। सो अभी मैं जा रही हूँ ज्योति और रिया को लेने, वो लोग वडोदरा गए थे, सो मैं जा रही हूँ स्टेशन लेने वो लोग को। सो या लेट्स गो, देखते हैं बाहर से मैं कुछ लेके भी आऊँगी, दिए वे लाने और मेरे लिए कुछ, तो वडोदरा नहीं वो लोग वलसाड़ गए, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला वडोदरा थोड़ी वलसाड़ गए वो लोग, तो वलसाड़ गए थे, तो मैं लेने जा रही हूँ। ये दो भैया, फाइनली मैंने मेरे लिए कुछ ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं दिए लेने। तो मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं मिला है, इसको कुछ नहीं मिला है, हम दोनों ने मिलके ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन ऑनलाइन कुछ इतना अच्छा नहीं आया जो हम रिटर्न कर देंगे फिर से। एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं आया। हाँ, सो यस, और बाहर मार्केट इतनी अच्छी लग रही है ना रात को, तो इतनी प्यारी लग रही है ना लाइटिंग के वजह से, हम अभी दिए लेते हैं और फिर घर पे जाते हैं। अभी हम लोग रंगोली के कलर्स भी ले रहे हैं, और ये लोग पता नहीं एक पॉपअप कहाँ से लाए हैं, नहीं ऑरेंज, ये येलो वाला भी दे दो, रेड है हमारे पास। शॉपिंग अब हम जा रहे हैं घर पे, ये बहुत ज़्यादा थक गई है, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम कुछ पीने आए हैं बिकॉज इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कुछ ठंडा पीना चाहती है, पर जो कि इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि इसको अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं है, बेचारी बीमार हो जाती है, कहीं भी जाती कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो मैं जाती हूँ। पाचू एक बार आवो 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 आवो, दिया दिया पाचू एक बार, 3 2 मोड़ा, लेकिन जो तू ने आप ले लिया लिंबू सोडा पी लिया।
हाँ हमने एक बोला था लेकिन उन्होंने दो दे दिया एक और पैसे दोनों के अलग अलग से ज्योति ने लिया ना वो सबसे ज्यादा अच्छा है कौन सा है मॉकटेल मॉकटेल जिसका मुझे बोलने भी नहीं आता है मॉकटेल मॉकटेल कैसे बोलते हैं मॉकटेल मुझे लगा कहीं यार सिक्सर आते हुए ये लोग नहीं रहते तो मेरे को मजा नहीं रहता और यहाँ पे लेट होता हुआ जल्दी घर पे चलो अभी घर पे जाके गालियां भी सुनी है पापा क्योंकि लोग सुबह से गए और अभी आ रहे हैं इसलिए इतनी प्यारी चप्पल लाई है मेरे लिए 150 की मेरे लिए नहीं मेरे लिए थैंक यू ज्योति थैंक यू सो मच